महाप्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ देव देव बलदेव देवी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन जींकर पावन पदारविंद अनंत कोटि बार भक्तिपुत प्रणति निवेदन करी सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगी सहित जोड़ी ही थिबा अगणित श्रद्धालु भक्त भाई माँ मानू सभक्ति प्रणति जय गुरु जय जगन्नाथ देवी आत्मन विगत पर्यायर आम मैंने आस्वादन करुले तृतीय स्कंदर सप्तविंश अध्याय कथा जोटी भगवान कपिल माँ देवहूति ब्रह्मचर्य आश्रम संपर्क सुंदर सूचना दे भगवान को पाइबापाई प्रथम आश्रम मते स्वधर्म मौन सत्य जुते प्रथम आश्रम मत कौन प्रथम आश्रम हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम तापर गृहस्थ आश्रम तापर वानप्रस्थ आश्रम तापर सन्यास आश्रम ये चार वर्णाश्रम हूँ मनुष्य जीवन रोटे गोटे माइल खुंट सदृश आज ब्रह्मचर्य आश्रम साधारणतः 15 to 25 years बयस पर्यंत पिला युवक युवती मानक पालन करने कर्तव्य खाद्य रस रस रु रक्त रक्त रु मांस मांस रु मेद मेदरु अस्थि अस्थि मजा मजारु शुक्र ये प्रक्रिया जहाँ आम आज खाद्य ग्रहण करुचे ताहा गोटे बिंदु शुक्र हाँपी 35 days समय लगुच प्रत्येक जीवकोशर न्यष्टि न्यष्टि भितर निन्यष्टि ता भितर ये शक्ति केन्द्र भितर यही सूक्ष्म तत्व लुचिके रुचि जार गोटे मात्र अंश आसी केते बड़ बड़ जीव सृष्टि किंतु तार सुरक्षा अपरिहार्य जे जेते कठिन ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करिछि से सेते मेधावी तेजस्वी तार वाक्य तेज अच्छी तार वाणी रे तेज अच्छी तार रूप रे तेज अच्छी रोग माने स्पर्श करि परिबेनि सेइति पई हेतले विश्व विजयी विवेकानंद स्वामी दयानंद यार जबरत भारत वर्षर जिते बड़ बड़ सिद्ध संत महापुरुष माने से माने से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करितवारु आज अमूल्य संपद आम मानक दे जाइछन्ते सद्ग्रंथ माध्यम रे तेणु ब्रह्मचर्य आश्रम रे काय मन वाक्य रे मरणं बिंदु पातेन जीवनं बिंदु धारणात् बिंदु को धारण करिबा हुचि जीवन बिंदु पात होबा हुचि मृत्यु सहित समान तेणु काय मन वाक्य रे केबे आमे कहारी कु चिंता करिबा नाही ब्रह्मचर्य आश्रम खाद्य को श्रृंखलित भाव में सात्विक भोजन करिबा तामसिक राजसिक भोजन को संपूर्ण भाव में परित्याग करिबा ब्राह्म मुहूर्त रु सज्जा त्याग करिबा विषयी लोक मानक संग करिबा नाही अबाध भाव में मिलामिशा पु झियो माने मिलामिशा करिबा नाही ये हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम मो माँ सहित मिसे मो भौणी सहित मिसे केबे कण मनरे केबे दुश्चिंता आसिब कुचिंता आसिब केबे नुहे तो जगत को जदि मातृवत देखि पारिले मो बसिबारे मिसिबारे कौनसी असुविधा नाही जे पर्यंत सही भावना चेतना आसी नाही तबे अन्य मानक सहित मिलामिशा संपूर्ण भावरे निषेध ब्रह्मचारी मानक पाई तेणु गुरुदेव अमर कुंती प्रत्येक सहित न्याय और सम व्यवहार कर न्यायच्युत व्यवहार कर जो व्यवहार द्वारा प्रत्येक सहित भातृ भग्नी भाव जाग्रत कर भाई भणी केड़े मधुर संपर्क भौणी ममता भाईर स्नेह पिता मातांकर आसी स पिता मातांकर आसी स भौणी ममता भाईर स्नेह पिता मातांकर आसी स पिता मातांकर आसी स पाई नहीं जिए जीवन रे सिए 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 केऊ मणीष रे मणीष केऊ मणीष रे मणीष केऊणी ममता भाईर स्नेह पिता मातांकर आसी
पिता मातांकर आशीष पिता मातांकर आशीष बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आमे जे तोले परिवार थाए भौड़ीर ममता भाईर स्नेह पिता मातांकर आशीष केबे कौनसी परिस्थिति तो कहा मनरे से मंद भावना आसे ना तेबे अन्य मानक प्रति जदि मंद भावना आसुची काहीं आसुची आपणक जी सत्संग ऐसा ही रंग तेणु साधनार से स्थित न पहुँचा पर्यंत ब्रह्मचारी मानक पाई बारण अच्छी अन्य मानक सहित मिसिबा संपूर्ण निषेध जदि मातृभावना आसीगला तेबे किछि असुविधा नाही। स्वामी विवेकानंद विदेश ग्रस्त करिथांती जणे विदेशिनी महिला स्वामीजीक रूपरे तांको ज्ञानरे इति विभोर हे गला जे स्वामीजीक एकांत साक्षात करी प्रार्थना कला जे मु आपणकु स्वामी रूपरे वरण करबाक चाहे। स्वामीजी आश्चर्य हेले कहले चाहिबार कारण कौन ना मु आपणक ठारु गोटे पुत्र पाइबाक चाहे। स्वामीजी तांको पाद तले पड़गले कहले एत दिन अपेक्षा करिबो गोटे पुत्र पाई एबे मु तुमार पुत्र हेगली तमे माँ मु तुमार पु आहा कि साधना कि सिद्धि संगे संगे लज्जित हेगले से महिला जनक जे स्वामीजी को कामसुख पाइबापी इच्छा करते स्वामी रूप से स्वामीजी कहले पुत्रटे पाइब यही कथा तो आते दिन अपेक्षा कर दरकार मो भाया गोटे पुत्र पाइबा अपेक्षा मुझे तुम पुत्र हो जाऊँगी आहबार अच्छे तेणु जगत को जी माँ सामान देखला मातृवत परणारिशु ज पश्यति स पंडित जी मातृज्ञान जगत को देखला से असली ब्रह्मचारी जगत माँ जगत हूँ मातृमा समस्त नारी जाति आम दुर्गा पूजा करे, मंगला पूजा करे, सरला पूजा करे, सरस्वती पूजा करे, काली पूजा करे, किंतु मातृजाति प्रति जदि असमान भाव रहा ये पूजार मान कौन आज बहुत सुंदर भाव में बड़ बड़ पूजा हो किंतु आज आपण मानक पाखरे जोड़ हस्त निवेदन करुचे आम पूजा करंतु सात्विक भाव करंतु गणेश पूजा सरस्वती पूजा आज पूजा प्रकृत में ठाकुर को पूजा पाई पूजा होनी केवल एभली भाव कुसंस्कार पशिगला भसाणी करवा केमी तामसिक उपाय से बर्तमान समस्ते चेष्टित जो आम सनातन धर्म धर्म नाम जो व्यभिचार पशि आसूसी अंतत जो मैंने भगवान अमृतमयी कथा शुणुंट भागवत टुंगी टी सतर्क हो जातु ना यार भयावह परिणाम आपण मानक भोगक पड़ो आपण मान पा नष्ट जो मैंने बर्तमान युवक बोली उच्छृंखल हो प्रकार कम करा उच्छृंखलित हे तेणु साधु सावधान ब्रह्मचर्य आश्रम हूँ मनुष्य जीवन रूलद्वा ये आश्रम जदि श्रृंखलित नाला संयमित नाला तेल भल छात्र गचरे नड़िया परिपक्व है सी ताड़ हेले गले फल दब पईड़ को आतीले गच हे कि सेमती जी पूर्ण ब्रह्मचारी हो पार संयम जीवन जापन कर तार वैवाहिक जीवन मंगलमय हे तार गृहस्थ जीवन दाम्पत्य जीवन मंगलमय हे तेणु आज भगवान माँ को कहते माँ तो ये जो प्रथम आश्रम से आश्रम टी सुरखुरी समस्ते अतिवाहित करने दरकार संयमता अवलम्बन करने दरकार स्वधर्म साधिब निश्चल ईश्वरी स्थापी कर्म फल गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद प्रथम आश्रम रमते स्वधर्म मौन सत्य जूते गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद करी छाड़ब गृह स्नेह सच्चिदानंद भगवान की जय। संसार मोह माया को छाड़ उपाय भगवान उदाहरण दे माँ को कहते जमी ब्रह्मचारी माने विद्या अध्ययन करिया पाए गुरुकुल रही
कठोर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सत्य अहिंसा मार्ग में व्रती होता स्वधर्म पालन करती मौन व्रत पालन करती निजे गृह स्नेह को त्याग करी साधारणतः ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुगृह रहीकि विद्या शिक्षा करती तेणु घरे रहीकि जदि आपण ये कठोर आश्रम को पालन करें नीति नियम मानि चली पारे ताले गृह आपणकर बंधनर कारण हेनी ये मुख्यर कारण हम आपण मैंने कई भावतुनि जे आमको संसार छाड़ कड़े जावाक पड़ो यही संसार रे आपण सब साधन करें जनक पाखे कि खावाक नहीं से कह कर आज व्रत कि व्रत एकादशी व्रत मुझे खाबी तो घर तो ना खाइबू कौन किंतु सब खाद्य सरंजाम थी जी से नवृत्त हो पारा ताठू बड़ वैराग्य किए तेणु पर छाड़ पलायन करने आम कहूना आपण पर आश्रम बनातु निज पर हो ठाकुर एक मंदिर वैकुंठ समान हा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर निज पर भितर निजर बापा माँ चलती देवता तंकर सेवा हो आपण निश्चय सुख पाइबे शांति पाइबे आनंद पाइबे तेणु ब्रह्मचर्य आश्रम जमती पर मोह को छाड़कर जीवाक हुए तेणु सेमती माँ प्रथम आश्रम भगवान कहते माने प्रथम आश्रम मते स्वधर्म मौन सत्यजुते करी छाड़ब गृह स्नेह जे अहंकार माया मोह संसार जो माया मोह या छाड़ी ब्रह्मचर्य भाई जीवन जापन कर तेब ही शांति पाइब पुनश्च भगवान आ गोटे बढ़िया कथा कहले केते लोक ये कथा को कदर्थ करी कहती किंतु प्रकृत तत्वटी शुणतु कौन से कथार भगवान कहते माँ आहारे भल मंद नाही गोविंद जेबा मिलिबो जहां जही गोविंद 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 मधुगड़ुछि मकरंद गोविंद आहारे भल मंद नाही गोविंद जेबा मिलिबो जहां जही गोविंद 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 मधुगड़ुछि मकरंद गोविंद बोली श्रीमद भागवत भगवान की साधारण लोक मैंने कदर्थ कर बुझे जहाँ मिलव खाइब आरे ता अर्थ कौन से कौती कौ उद्देश्य कहुई आहारे भल मंद नाई अर्थात तो स्वाद प्रति दृष्टि न दे केवल प्राण पोषणार्थे यथालब्ध खाद्य ग्रहण करवा स्वाद प्रति दृष्टि न देकर जहाँ मिलला जी शांति मन सेवन करवा एठार भक्षावक्ष प्रति दृष्टि न देवा कहा जाए ना केत लोक अभक्ष को शास्त्र तो कह जाए आहार भल मंद ना आहा मिल चल ना आज्ञा ता नुहे सात्विक निर्मल सात्विक भोजन ग्रहण करतु जी मिलला सन्तुष्ट रुहतु आउ जोगाड़ा कर राजसिक तामसिक खाद्य कौन ना भागवत कहुई आहार भल मंद ना ये से कथा उद्देश्य कहा जाए केवल स्वाद प्रति दृष्टि न दे केवल प्राण पोषणार्थे जहाँ दरकार यथालब्ध जहाँ मिलला ताकू ही खाद्य भाव में ग्रहण करवा से कथा कहुई बेले बेले आमको सुहला भाया आम मैंने श्रीमद भागवत भगवान दिव्य बाणी को निज निज सुहला भाया अर्थ कर दिए किंतु प्रकृत अर्थ ता नुहे भगवान कपिल के माँ को कहे जहाँ इच्छा होता पाओ बोली ना जी शरीर पोषण पाई स्वाद प्रति दृष्टि न दे जत्किन जहाँ मिलला ताको संतोष मन में भोजन करवा तेणु आउ कहते आहारे भल मंद ना भल जिन खाइब मंद खाइबनी खाद्य तो पुणी मंद कौन तेणु श्रीमद भगवत गीतार खाद्यर तीन प्रकार सरणी दि जाए एक रे सात्विक खाद्य दुई रे राजसिक खाद्य तीन रे तामसिक खाद्य सात्विक खाद्य क्या कहते आउ सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रसिया स्निग्धा स्थिर हृदया आहार सत्विक प्रिया जो खाद्य को ग्रहण कले आयुष वृद्धि हुए बलवृद्धक निर्मल सहज पच्य ये हूँ सात्विक भोजन हृदय स्थिर रहा भोजन कले आउ सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना सुखवर्धक प्रीति विवर्धक रसयुक्त स्निग्ध चिकण ये हूँ सात्विक भोजन
आपण माने मंदिर रे जाई श्री मंदिर रे श्री महाप्रसाद पाई जितकी मिलले बड़ संतुष्टि आसे बा कोनसी मंदिर मठ आश्रम रे प्रसाद पाइले तृप्ति आसे किंतु भोजी खाई गले आपण 3 दिन जाए औषध खाइबा को पड़े केना जितकारी करूची ता मनरे से सत्यकता नाही जे दौची ता मनरे सत्यकता नाही एतनो राजसिक खाद्य खाइले कोन हबो या आयुर्वेदक ही परिवन कि बलवर्धक हबनी रोगवर्धक हब कंडा कटमूल लवणा तीक्षण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोकमय प्रदा दुख आ शोक मिल कौ जोड़ाक राजसिक खाद्य कटु अम्ल राग खाद्य ये हूँ राजसिक खाद्य अम्लयुक्त आमसिक खाद्य बासी पचा उचिष्ट तेणु से सात्विक भोजन सात्विक भोजन भी बहु परिमाण भोजन करदे ता राजसिक तामसिक हो तेणु से आम खाद्य पाकस्थल जीक धरव अंत गोटे भाग वायु चलाचल पर रखा दरकार आमे माने एते भोजन कर दौचे आते वायु चलाचल रास्ता ना पा पशिया को जगह ना जहाँ मिले चलेले कमी हम आप लक्ष्य कर जदि नंदन कानरे हाथी अच्छा बाघ अच्छा आपण भोजी हूँ बलिजी आपण नहीं देले बाघ खाइबना हाथी खाइब जो खीरी बलीगला पांच बाल्टी दे खाइबे से खाइबे पशुपक्षी निर्दिष्ट खाद्य छड़ा अन्न जिनस ग्रहण करती ना कि मनीष को लक्ष्य करे आरे बाबा जदि भोजी भात हो तो निजे खाइब पी का चिंतार थी से कौन नहीं हूँ निर्बोधता आम मानक तेणु जो मनीष बर्तमान रोगी 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 कहीं ना सात्विक भोजन कला ना तेणु आहारे भलमंद ना जे स्थान जेमंत मिले लोक जो कहते प्रकृति में जेबा मिल जहा जहि जोटी जमी मिलला केवल प्राण रक्षापाई जी दरकार बास होगा अधिका नवर ना का भोजी भात बढ़ला बढ़ी वह नहीं जाऊ सब तार थंटे हेले गला कुकुर पेट पूरी गले चलला कि मनीष छाड़ी जाऊँचना सीए जीव खा भोजन करफिन क्यारिर भर पुणी कौन आनी पलिथिन नब कहीं आहरी दरकार से मनीष रोगग्रस्त तेणु आहारे भल मंद ना गोविंद जेबा मिल जहाज गोविंद 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 पदु गड़ी मकरंद गोविंद अल्प भोजने मन तोषी गोविंद एकांत स्थानी नित्य बसी गोविंद 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 पदु गड़ी मकरंद गोविंद करुण शांत शिष्ट गुण गोविंद सकल भूते मित्रपण गोविंद 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 पदुगड़ी मकरंद गोविंद बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अल्प भोजने मन स्थिर भोजन जदि अधिका हो गला मन स्थिर हेनी कहीं जैसा अन्न ऐसा ही मन भगवान कपिल माँ को से कथा कहते जे भोजन अल्प हवा दरकार खाद्य तीन प्रकार शुणिले सात्विक राजसिक तामसिक जैसा अन्न ऐसा ही मन आप लक्ष्य करना लोक मैंने कार्तिक मस रे मंगल आरती दर्शन करने खूब दौड़ आश्विन मास एकादशी ठारु नियम सेवा आरंभ होम श्रीक्षेत्र पुरी रे वृंदावन धाम मानक सब ब्राह्म मृत्युराती चारिटार मंगल आरती दर्शन केते नीति नियम सब कार्तिक मास रे नियम सेवा तो लंबा धाड़ी लगे थे कार्तिक मास रे मंगल आरती करने किंतु कार्तिक पूर्णमी पर दिन टा किबारे पड़ी लोक मान भारी आग्रह से बारटी जानापी कौन पाई कौ शास्त्र लेखा ना पूर्णमी बासी दिन ये एक सब जहाँ को छाड़ थोड़ा खाइब बोली तेणु जो भोजन द्वारा अन्य को दुख दिया जाए कष्ट दिया जाए ताहा केबे आमको शांति दबो गोटे जीव को हत्या करने द्वारा सी तो भय करिकिर मला ताकु मरा गला मनुस्मृति में कहा जाए आठ जन एथरे दोषी जी पालिला जी बिक्री कला जी क्रय कला जी
ताकु मारिला जे किणिकिर नेला जे रोसेई कला आ जे खाइला पशु हत्यारे आठ जन जाक दोषी सब्यस्त होचंती बोली मनुस्मृति रे महर्षि मनु कहउचंती। तेणु जोठी बिलई चाहिथिबो कंटे नबा पई आपण माने देखिबे जोठी पशु हत्या करिकरी बिक्री करा जाउची तो सेइटी बिलई चाहिथिबो कुकुर चाहिकरी तार पाटु थप थप लाळ गळुथिबो काउटिए चाहिथिबो काउ कुकुर बिलई जोठी एकाकार हेथिबे सेइटी मणिसर लंबा धाडी केबे लक्ष्य करिचंती निश्चय करथिबे। कार्तिक मासर लंबा धाडी मंदिर को हेला बळे पूर्णमी बासी दिन लंबा धाडी थाए कंसईखाना को तेणु यह स्वधर्म पालन हेला नाही से जीव हत्या ठारु नाही बळी पाप किणा हुए तई देव अभिशाप जीव को हत्या करी खाइबा ठारु अभिशाप आउ किछि नाही कारण सबुठी जदि भगवान अछंती गोटे जीव को मारी आउ गोटे जीव खाइब केमिति मनुष्य पई या नुहे से पशु पशु मानक भितर खाद्य खाद्य भाव बाघ ताक मारिकी खाइबे सी कौन खाइबे सीटा अलग कि मनुष्य पई मनुष्यर जो गठन शैली भगवान करिसंती आमे से आदिम मनुष्य नुहे आमर हाथ गोल गोल आम दांतर गठन ये माछ मांस खाइबापी नुहे सात्विक भोजन करने सात्विक भोजन कले कौन हम ना जैसा मन ऐसा ही अन ऐसा ही मन सुंदर भाव में कह जा योर फुड सो योर मूड जमीका खाद्य खाइबे मन उपर तार प्रभाव सेमती पड़े तेणु भगवान कहते कपिल कहते माँ को माँ आहारे भलमंद नाई जेबा मिल जहा जहि अल्प भोजने मन तोषी एकांत स्थान नित्य बसी अल्प टिके भोजन करी संतुष्ट मनरे बसिबे बहुत भोजन कले बहुत सोया को इच्छा हबो आउ पेट दर्ज हबो तापाय औषधर आवश्यकता पड़िबो किंतु जदि अल्प खेब चारटा रोटी परिवर्तन आमे जोड़िए रोटी पाइले बा दि कप अन्न पाइया प्रति गोटे कप खाइले टिके हालका रखंतु कि आनंद आसीबे देखिबे सुस्थ रहिबे निरोग रहिबे ताहब जोगी शरीर आउ अधिका खाइबा द्वारा केवल बहुत बड़ पेट बढ़िया सहित जिते सबू विकार रोगर विकार सब सृष्टि हम शरीर भितर माँ को भगवान कहते आम कहूनु आम आपण को उपदेश दौनु भगवान कपिल कहते माँ जेबा मिल जहा जही आहारे भल मंद गोविंद 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 अल्प भोजने मन तोषी एकांत स्थने नित्य बसी गोविंद 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 अदुगड़ुछि मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की आपण आज अभ्यास कर देखु ना आपण जिते जी तीन खंड रुटी खाऊ खंडे दि खंडे चलांतु जी अनेक अधिका अन्न खाऊ कम कर चलांतु आउ एकांत स्थान रे बसी टी भगवत चिंतन करंतु कि आनंद आसीबो मन कि शांत आसीबो मन आपण निजे उपलब्धि करिवे आज भगवान कपिल माँ देवहूती की एही प्रकार संदेश दउचंती पुणी कौन कहिले ताहमे परवर्ती पर्यायर आस्वादन करिबा आज समय हो जाइछि एटी विरति नबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय।